मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक और टास्क अलग से देना चाहता हूं, और होमवर्क के दिए बिना बच्चों को काम करने का मजा नहीं आता है। आप सब जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। इसी तरह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है? ये उस समय लिखा गया था। ये तो मैंने ये सिर्फ एक श्लोक बताया है, ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। यह हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन पर एक तरह से ये दोहरा दायित्व है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिसर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। दूसरा दायित्व ये कि हमारी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी को
नए आयाम देने हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, आसमान की ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष की गहराई तक आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही डीप सी को भी एक्सप्लोर करिए। आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाइए और साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अपना सिक्का जमाइए। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21वीं सदी के इस कालखंड में जो देश साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़त बना ले जाएगा, वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा।